बोल देता है, बहुत नाटक हो गया है। बोल देता है नाटक हो गया है, तमीज से बात कर। तो अपने बाप से बात करिए, कोई मिर्ची गली की मवाली से नहीं। डैडी, आपकी आवाज को क्या हुआ? अरे तुम लोगों पे चिल्ला चिल्ला कर मेरी आवाज की वाट लग गई है। बोलो क्या? बोलो क्या है? वो आपका भाई है ना मन्नू? भाई है, आगे बोल। उसको फटाफट फुट्टास की गोली खिलाकर यहाँ से सटकने को बोलो। हाँ डैड, पौने पौने घंटे बाथरूम में बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है, और साथ में हारमोनियम भी नहीं लेके जाता कि हम लोग को लगे कि अंदर गाने का रियाज कर रहा हो। अरे उसकी बीवी खाना खाने बैठती है तो भूल जाती है कि उसका पेट भर गया है, दुक्कर की तरह खाती रहती है, थकती नहीं। अरे छोड़ो ना, इनके खानदान में तो सब ऐसे ही नमूने भरे हुए हैं। मम्मी आप डैडी को क्या बोल रहे हो? आपकी वो फ्रेंड है ना बलविंदर, अभी तक मेरे 6 लिपस्टिक और 12 नेल पॉलिश हजम कर गई है। हाँ, और उसका वो हस्बैंड सब चीज ट्राई करना चाहता है। कल मेरा चश्मा पहन के घूम रहा था और कह रहा था, अरे वाह, इससे तो हर चीज मोटी मोटी नजर आती है, अगरबत्ती मोमबत्ती जैसी दिखती है। हाँ, अच्छा हुआ उसने चश्मे में से मम्मी को नहीं देखा, नहीं तो कहा था रूप तेरा ऐसा चश्मे में न समाए। हाँ, और उस दिन मुझसे कह रहा था कि जरा अपनी सुनने की मशीन देना, ट्राई करनी है। अरे ये तो कुछ नहीं है, कल अपन उसको चर्च गेट हैंडलूम हाउस दिखाने लेकर गया तो वो ट्रेन में मोटरमैन से बोलता है जरा चर्नी रोड तक ट्रेन चलाने देना। डैड अगर उसका बस चले ना तो अर्थी पे जा रहे मुर्दे को बोले जरा उठना, मुझे 2 मिनट लेटने देना। अरे वो जो भी है वो ठीक है, लेकिन उनके बच्चे कम है क्या? वो छुटकी अपनी छोटी के भी कान काट डाले ऐसी है, और वो जस्सी अपनी सोसाइटी की सबसे भयानक से भयानक औरत को देखकर गाता है क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है। वो चड्ढा की बीवी है ना, चड्ढा की बीवी, वो तो बेहोश हो गई। क्यों? अरे उसको जिंदगी में किसी ने पहली बार खूबसूरत कहा था ना, वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, एक दिन रात को वो अपने बाल खुले छोड़कर फुटपाथ पर घूमने गई तो फुटपाथ पर 3 आदमी जो लेटे हुए थे वो उसको देखकर डर के मर गए, इतनी भयानक दिखती है वो, और उसको कोई खूबसूरत बोलेगा तो कैसे चलेगा? ये बच्चा चालू नंबर 1 है। अरे लेकिन इसमें हमारे घर की बदनामी होती है ना। नहीं, सब में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप उन लोगों को बोलो ना, ये हमारा घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है। मैं नहीं कह सकता। तो मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे मम्मा, मैंने उन लोगों को बोला, अपना घर बार बेच के आयो क्या? तो मनु है ना मनु, अपनी बीवी को बोलता है इसकी बातों का बुरा मत माना, ये तो पागल है। तो क्या गलत कहा उसने? अरे अप्पू ने भी इनडायरेक्टली बोला कि कितने दिन रहने का प्रोग्राम है, तो बोलते अभी कुछ तय नहीं किया, अभी तो पूरी बम्बई देखनी बाकी है। चल उन लोग को संडे के दिन मेरे साथ लेके चल यार। कहाँ? एयर इंडिया के बिल्डिंग के टेरेस पे बॉम्बे दिखाएंगे। स्टूपिड, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में किसी भी बिल्डिंग पे ऐसे नहीं जा सकते। स्टूपिड, बॉम्बे का नक्शा लेके आ, उनको बॉम्बे फ्री में दिखाएंगे। सही जा रही है, सही जा रही है। डैडी मुझे एक बात बताओ, नक्शे के नदी में कभी बाढ़ क्यों नहीं आती? मैं पानी नहीं होता इसलिए। नहीं, नक्शे के नदी में कभी बाढ़ इसलिए नहीं आती क्योंकि मैप गीला हो जाएगा। सही जा रही है, सही जा रही है। क्या सही जा रही है, सही जा रही है। बाढ़ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, अगर नदी में पानी होगा तभी भी नक्शा गीला होगा। तेरा हाथ यार आनंद, बहुत भारी है यार। सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं यार आनंद, अगर तू हमको बंबई घुमाने ले जा रहा है ना तो ऐसे 2-4 हाथ और जड़ सकता है। अरे बापू सोच क्या रहे हो, रख कर दो 2-4। नहीं नहीं नहीं, मन्नू अपना मेहमान है। लगाओ बापू लगाओ, आपको हमारी मरी हुई माँ की कसम। ए क्या बकती है? अच्छा है ना, मरे हुए लोगों की कसम खा लो, उनके मरने की कोई चिंता ही नहीं है। माफ करना मन्नू, वैसे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन इन पागलों ने ऐसी कसम दी है ना कि अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा ना तो मेरा बैंड बच जाएगा। सॉरी हाँ मन्नू, सॉरी। फिर से? अरे अरे, ये आपको मार क्यों रहे हैं? मैंने इनको बोला था। अरे वाह, मैं कभी कभार एक हाथ झापड़ मार देती हूँ तो 3 दिन मुंह सुजा कर रखते हो, और इनसे खुशी खुशी मार खा रहे हो। आपकी पत्नी आपको मारती है? तो इसमें क्या बड़ी बात है, किसी किसी की पत्नी चिमटियां काटती है तो किसी की पत्नी 2-4 झापड़ मार देती है। डैडी मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, मैं अपने पति को लात मारूंगी। मुझे ये बताओ ये आपको मार क्यों रही थी?
अरे भगवान, ये हमको मुंबई दर्शन करवाने वाले हैं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अच्छा, तो तुम लोग को भी अभी मुंबई दर्शन के लिए जाने का है। राधिका सुन, जा। अबे गिरना मत, वरना गेट पे ऑफ इंडिया गिर जाएगा। ट्रैवल एजेंसी का नंबर लेने गई है राधिका दीदी? नहीं, रिवॉल्वर लेने गई है। रिवॉल्वर? रिवॉल्वर क्यों? वो क्या है, आजकल मुंबई में हर एक जगह एंट्री फी हो गई है। इतने सारे टिकट काटने जाएंगे तो हम लोग ही कट जाएंगे। जो भी हम लोग से टिकट मांगेगा, हम लोग उसको रिवॉल्वर दिखा देंगे। मैं चलाऊंगी। बोलो, खुद तमंचे जीतनी है और रिवॉल्वर चलाने का शौक हुआ है? ध्यान से, आप पूरे बॉम्बे को गिरा देती। आप लोग को मुंबई दर्शन करना है ना? आइए आइए, मेरे साथ आइए। ये देखो ये देखो, गेटवे ऑफ इंडिया। अरे ये देख, देखना हसीना मान जाएगी कि शूटिंग चल रही है। ओह माय गॉड, गोविंदा क्या नाच रहा है ना। और संजय दा देखना कितना चिकना लग रहा है। और करिश्मा कपूर भी कितनी चिकनी दिख रही है। यार आनंद, यार ये क्या बेवकूफी है यार। पीना, तुमने मुंबई नहीं दिखानी, कोई गल नहीं, मगर तुम्हारे बच्चों से तो क्या, हमारा मजाक ना उड़ाए। जब आप हमारे गांव आए थे तो हमने आपको तालाब, मंदिर, पुराना किला सब कुछ दिखाया था। हाँ। हमारे गांव जब दुश्मन भी आता है ना, दुश्मन आता है आपके होते हुए, तो हम लोग उसे जंगली पीर का दरगाह दिखाए बिना नहीं वापस भेजते। जंगली पीर का दरगाह? एक बात समझ लो। क्या है? क्या? हम लोग पूरी मुंबई देखे बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ, और कहते हैं मेहमानों की सेवा भगवान की सेवा जैसे होती है, मेहमान खुश तो भगवान भी खुश। देखा, जो बात इतने छोटे से बच्चे को पता है वो आप लोगों को तो पता होगी ही। हमें जरा शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, लेकिन खाना तो हम घर पर आकर ही खाएंगे। हाँ। चलो 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 चलते। अरे कितने बेशरम लोग हैं ये तो। मामा, ये आपके रिश्तेदार हैं। आप अपुन को एक दफा बोल कर देखो, इन लोगों को अपुन ऐसा भगाएगा कि सीधे अपने गांव जाकर रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जात बिरादरी का मामला है। हाँ, हम पहले से इतने बदनाम हो चुके हैं मीनाक्षी की शादी टूटने से, अब घर आए मेहमान को इस तरह उल्टा निकालेंगे तो हमारा नाम तो और बदनाम हो जाएगा ना। वाह, नाम खराब होने की बात करिए, जैसे हम लोग का नाम बहुत अच्छा है। अरे नहीं काजल, मम्मी की बात में बहुत वजूद है। डैड के वजूद की बात कर रही है। वजूद पिक्चर का तो 3 दिन के बाद थिएटर में कोई वजूद था ही नहीं। ए स्टूपिड, मैं वजूद पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मम्मी की बात के बारे में बोल रही हूँ। अरे यार ये सब छोड़ो, ये सोचो कि इन लोगों को सटका है कैसे जाए। एक काम करते हैं, दीवारों पे पोस्टर लगा देते हैं, बिना काम के आया हुआ मेहमान शैतान का साथी है। हाँ, आप आए वेलकम, आप जाए भीड़ कम। कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ पर तो लोग वहीं ज्यादा थूकते हैं जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। ए सिडी, टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन। अरे टेलीफोन है, टेलीफोन है। ए टेलीफोन। हाँ टेलीफोन है। ए टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन। हेलो, ए कौन है बे? कौन था? अरे कोई बदतमीज बोल रहा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलो स्वीटी को। आज वैलेंटाइन डे है तो तुमने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? यहाँ इतनी मुसीबत है और इसे अपने गिफ्ट की याद आ रही है, वाह। अरे मुसीबतें तो हमारे घर में दूध वाले भैया जैसी हैं जो रोज आती हैं, लेकिन मेरा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट कहाँ है? वाहियात बात है ये, वाहियात बात है। अंग्रेज लोग जो करते हैं वो हमें करना है। वो लोग होली खेलते, दिवाली में पटाखे फोड़ते, चलिए वैलेंटाइन डे मनाने अंग्रेजों की नकल करने। मम्मी हटो, मम्मी हटो। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है जो अंग्रेजों के पास नहीं है। अच्छा डैडी, हम अंग्रेजी फिल्मों की नकल करते हैं, क्या हम लोग में दम है हमारी हिंदी फिल्मों की नकल करके दिखाएं? हाँ, अरे सोचो, अगर वो लोग राम तेरी गंगा मैली का इंग्लिश वर्जन बनाएंगे तो नाम क्या रखेंगे? राम योर गंगा इज डर्टी। और ऑडियंस बोलेगी आस्का टूटे का बाल। हेलो, कौन?
था नहीं, वही था, कहता है स्वीटी को बोलना हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लगता है लास्ट शनिवार को जो मैंने हनुमान मंदिर में तेल चढ़ाया था ना, उसका फल मुझे मिल रहा है। कोई बकरा फंस गया है। हेलो, हाँ हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चिकनी, अपुन को लगता है कोई टेलीफोन ऑपरेटर तेरे चक्कर में पड़ गया है। अरे मैं तो बोलती हूँ कोई बस कंडक्टर मेरे चक्कर में फंसे, लेकिन कुछ हो तो। कोई मिल गया, कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊँ यारो, ओ मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया। पोस्टमैन अंकल, पोस्टमैन अंकल, हिंदी में पोस्टमैन को डाकिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग डाक लेके आते हैं। अच्छा, डाक लाने वाले को डाकिया कहते हैं, तो दूध लाने वाले को दूधिया क्यों नहीं कहते? ये लीजिए और मुझे जाने दीजिए। ये किसके नाम का पार्सल है? आपके घर में स्वीटी माथुर कौन है? ए, हमारे घर में स्वीटी माथुर नाम की कोई लड़की है क्या? अबे हटेली तू ही है। अबे मैं हूँ, चल दे, फुटे। ला 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 लाला, बाद में। इसमें क्या है, क्या है? वैलेंटाइंस डे के कार्ड है मेरे लिए। अरे तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तो खरीद के पोस्ट किए। हाँ, मुझे पता था वैलेंटाइंस डे पे कोई मुझे विश नहीं करेगा। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने ना टेलीफोन बूथ वाले को 100 रुपए दिए और बोला दिन में मुझे 100 बार फोन करना और कहना हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और 100 कार्ड खरीद के अपने नाम पे पोस्ट कर दिए। मगर किसी को बताना मत। हाँ, अरे यार हम लोग तो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन तूने अपुन को एक झकास आइडिया दिया है मेहमानों को फुटाने का। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना। अरे यार ये मनु परमिंदर की बीवी को लिखेगा क्या? ए, मैं बताऊं, वो लिखेगा मेरी किस्मत की कहानी। तू तो परमिंदर की लाइब्रेरी में क्या कर रही है? अरे तुझे तो मेरे दिल के बुकशेल्फ में होना चाहिए था। किताबी कीड़ी, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। वो वैलेंटाइन डे का कार्ड लिख रहा है, कोई लाइब्रेरी की मेंबरशिप रेन्यू नहीं करवा रहा। मैं बोलूं, लिखेगा माय डियर स्वीटहार्ट, तुम मेरे नाम की लिखी गई वो चिट्ठी हो जो पोस्टमैन ने गलती से गलत पते पर पहुंचा दी है। अरे नहीं यार, उससे अच्छा तो ये लगेगा, डियर बलविंदर, भगवान ने तुम्हें सुपारी मुझे नजरों से घायल करने के लिए दी थी, लेकिन तुमने गलती से किसी और को अखियों से गोली मार दी। यार कब से तुम लोग अनाप शनाप बक रहे हो, एक्सपर्ट की कमेंट लो तो जाने। अच्छा तू एक्सपर्ट है? ऑफ कोर्स, दिल के मामले में मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ जितने गुलजार अंकल पानी के गाने लिखने में। हाँ यार, लगता है गुलजार साहब आगे चल के मिनरल वाटर की फैक्ट्री डालने वाले। अरे फिल्म माचिस से पानी के पीछे ही पड़े हुए। हाँ, पहले पानी पानी रे, बाद में सत्या में गीला गीला पानी, और अब हुतुतु में छई छपा छई वाला पानी। अरे यार गुलजार साहब पानी का गाना लिखे या प्याऊ खोले, गुलजार साहब गुलजार साहब है। तुम लोग अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो ना। एक काजल, तुझे परविंदर की बीवी के नाम की मनु की चिट्ठी लिखनी है ना? हाँ लिख। तू प्यार है किसी और का और वो कोई और मैं हूँ, छोड़ दे अपने पति का साथ, थाम ले मेरा हाथ, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। वाह अच्छा है, अब मन्नू की बीवी को परविंदर क्या लिखेगा? लिख लिख, वो लिखेगा जब से मैंने तुम्हें देखा ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, फिर याद आया कि 15 साल पहले मेरे सपनों में चोरी छुपे आने वाली लड़की तुम हो, मेरे सपनों में आती रही और मनु की हकीकत बन गई। ये क्रॉस कनेक्शन छोड़ो और डायरेक्ट डायलिंग करके दिल से दिल का रिश्ता जोड़ो। हाँ स्वीटी, वाह, मानना पड़ेगा यार, तू प्यार की बातें तो ऐसी करती है जैसे नेता लोग इलेक्शन में वादे करते हैं। क्या करूं मीनाक्षी, प्यार तो कर नहीं सकती, प्यार की बातें करके दिल बहला लेती हूँ। बस 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 बस, तू लिखना शुरू कर, इसने अपने दिल की दुकान खोल दी तो कल्याण हो जाएगा। नहीं काजल, अब तो होकर ही रहेगा मेहमानों का सत्यानाश। अजी सुनते हो? क्या है, ठीक से नहाने भी नहीं देती। ये पढ़ो। क्या है ये?
उसका खून पी जाऊंगा। जी देखिए क्या है जी। ओए मैं मनु का खीमा बना दूंगा। परमिंदर के बच्चे 12 तू 12। क्या बात है अंकल? अबे तू नहीं वे, तेरे बाप को बुलाया है मैंने। पर आपने तो कहा परमिंदर के बच्चे 12, इसलिए मैं आ गया। परमिंदर परमिंदर 12 तू 12। मनु मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं तेरे पे तीजा बूंदे ये लो मनु अंकल, ये लो परमिंदर। परमिंदर के बच्चे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तेरे जैसे बोझ को मैं धरती पर से हटा कर ही रहूंगा। क्या हो रहा है ये? अरे इस कमीने ने मेरी बीवी को वैलेंटाइन कार्ड भेजा है। नहीं ये झूठ बोलता है, इस कमीने ने मेरी बीवी को वैलेंटाइन कार्ड भेजा है। अरे फिर लड़ने की क्या बात है, आपस में मामला फिटूस हो गया ना। मैंने नहीं भेजा कोई कार्ड वार्ड इसकी बीवी को। मैंने भी नहीं भेजा इसकी बीवी को कोई कार्ड वार्ड। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, पराई औरतों पर नजर बिगाड़ दे। चल अच्छा हुआ इन लोग ने आपस में क्रॉस कनेक्शन कर लिया है, कहीं इन्होंने हमारी मम्मी को कार्ड भेजा होता तो। डैडी ये जवान लड़कियों का घर है, यहाँ ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों का रुकना ठीक नहीं है। अरे हमें रहना भी नहीं है यहाँ, जहाँ पे इसके जैसे आवारा लोग आते हो। हाँ तेरी तो परछाई से भी मैं अपनी बीवी को दूर रखूंगा। चल चल जल्दी। नहीं मैं बम्बई देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे यहाँ रहना हो तो तू रह ले, अब मैनू यहाँ नहीं रहना जी। चलो 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 जी, हमें यहाँ नहीं रहना है। हाँ हाँ चलो चलो उधर चलो। अरे सामान लेना है, सामान ले। चलो चला जैसी। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। देख मैं तुझे आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ। मैं आखिरी मर्तबा भी मना करता हूँ। तो ठीक रह यहाँ। आनंद भाई साहब इसे फिर अच्छे अनाथ आश्रम में भर्ती करा देना। चलो जी। हाँ हाँ चलिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? अरे मैं ना रुकिए, चले गए इन लोग। अरे यार और इसके माँ बाप भी अजीब है, इसको यहाँ छोड़कर चले गए। जैसी अब तुझे अनाथ आश्रम जाना ही होगा। किसने कहा मैं तो इधर ही रहूंगा। इसकी जात को। अरे यार बड़ी मुश्किल से हम लोग ने इतना बड़ा कांड रच के तेरे माँ बाप को यहाँ से हकाला है और तू हमारे गले पड़ रहा है। वो वैलेंटाइन के कार्ड आप ही लोगों ने भेजे थे ना, मेरे मम्मी डैडी को सब कुछ पता था। तो फिर वो मन्नू की जान लेने पे क्यों तुला था? वो सब नाटक था। मेरे डैडी का ट्रांसफर आसाम के जंगलों में हो गया था, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, इसीलिए उन्होंने लड़ाई का नाटक किया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। लो कर लो बात, ये तो चोर पे मोर गिर गए।